नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और आज बाजार पर दबाव है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक 50 से डीएमए के नीचे नहीं फिसले, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, टिकने की कोशिश कर रहे हैं। 8666 का लेवल है, यानी कि 33 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे है। और आज प्रॉब्लम एरिया बाजार के पास ये कि 8700 की कॉल पे हैवी राइटिंग देखने को मिल रही है और ये एक रेजिस्टेंस बाजार के लिए इस हफ्ते पूरे ही हफ्ते साबित हुआ है। 8700 के ऊपर टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल बाजार के लिए पड़ता हुआ नजर आया और आज भी 11 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में 8700 की कॉल पे जुड़ते हुए नजर आए हैं। अब बाजार की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अगले हफ्ते मेजर इवेंट एक्सपायरी है। उससे पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज के रडार पर है और जहाँ पर बड़े जानकार बाजार के बड़े डेरिवेटिव एनालिस्ट कोशिश करेंगे कि उन सौदों को खरीदा जाए या फिर बेचा जाए और जहां पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यही थीम है इस शो की, ऐसे कुछ सौदे, ऐसे 10 सौदे जहां पर नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बना के चल सकते हैं और काफी स्ट्रांगली कमाई अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस पे होने की उम्मीद ज्यादा है। आदित्य अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद है वे टू वेल्थ के। आदित्य, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। 32 पॉइंट से गिरावट है, लेकिन कितना सीरियस पॉइंट आप समझते हैं जो 8700 की लेवल पे जो कॉल राइटिंग आज विजिबल है, 11 लाख से ज्यादा का एडिशन? मार्केट में यहाँ से देखिए तो मार्केट यहाँ से निफ्टी काफी रेंज बाउंड लग रहा है। यहाँ से हमको कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ा करेक्शन नहीं लगता। इनफैक्ट आज जो एक करेक्शन आया उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है अगले 2 से 3 दिन के लिए। 8700 डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे हम अग्रेसिव कॉल लाइटिंग देखते हैं। पिछले 2-3 दिन में हमने अच्छी खासी कॉल लाइटिंग देखी है, तो 87 के बहुत ज्यादा निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। 8740 निफ्टी पे काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो जब तक निफ्टी 8740 के ऊपर नहीं जाता बहुत अग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। बट यस, अगर करंट लेवल से तो यहाँ से पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमको लगता है कि निफ्टी 8720-8740 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे एक 8630 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में अगले 3 से 4 दिन के सेशन के हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मानते हैं कि बाउंस बैक दिखेगा मार्केट्स पे, तो अगले वीक के लिए हम ये मान लें कि पॉजिटिव कॉल है आपकी। 8720-8740 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें निफ्टी पे। 8630 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। अलग अलग जानकार जुड़ेंगे, अजित मिश्रा साहब, लोकेश उपल, गौरव बिस्सा, इन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्ट्रेंथ विजिबल है मार्केट पे और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेड किया जा सकता है। आज एफएनओ गेनर्स की सूची देख लेते हैं अगर फटाफट से। एनसीसी 9% का स्मार्ट मूव इसलिए क्योंकि आज एक ब्लॉक डील हुई और उसमें लगभग 3.5% इक्विटी का सौदा हुआ, कुल हिस्सेदारी का सौदा हुआ, उसका इंपैक्ट है। जेट एयरवेज, बायोकॉन, क्रॉम्पटन ग्रीव, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स तेज है। जेट एयरवेज अब 3% तेज है। जेट लाइट, जेट एयरवेज के मर्जर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूरी दी, उसका असर देखने को मिला। गिरने वालों में सिप्ला, टॉरेंट फार्मा, एक्सिस बैंक और हिंडाल्को, जुबिलेंट फूड्स शामिल है। अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद है। अजीत, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो निफ्टी पे कॉल दें, क्या यहाँ से लगता है कि तेजी भी और बढ़ेगी? शुक्रिया रजत। रजत जी, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था कि 8500 को होल्ड करके जो मार्केट में रीबाउंड आया है, तो हम पॉजिटिव हैं कि जो है ना सपोर्ट जोन जो बन गया है 85 का, अब ये होल्ड करेगा, काफी मेजर सपोर्ट बन गया है। और अपसाइड पे मेरे हिसाब से मोमेंटम रीगेन करने के लिए 87 एक माइनर हर्डल जरूर है, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम वो हर्डल इजिली क्रॉस करेंगे और 8750 तक के लेवल्स को नियर टर्म देख सकते हैं। चलिए 8750 आप बेट लगा रहे हैं कि ये नेक्स्ट वीक का टारगेट निफ्टी पे लगेगा। 8610 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा और वैसे तो 8610 बहुत नीचे है, अभी तो 50 दिन की औसत 4 ट्रेडिंग सेशन से नहीं टूटी है मार्केट में। सर, मैं आपसे 2 ट्रेड्स पूछता हूँ, अगर मार्केट पे अब कुछ खरीदना हो या फिर कोई बिकवाली करनी हो एक्सपायरी से पहले, तो कौन से 2 ट्रेड्स हैं जो रैली के सिक्योरिटीज के रडार पर हैं? देखिए रजत, यहाँ पे मदर्स एंड सुमी जो कि एक ऑटोमेटिक काउंटर है, यहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें मुझे लगता है कि यू नो पिछले 4-5 कंसोलिडेशन के बाद अब किसी भी दिन एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आने की उम्मीद है। तो 320 के स्टॉप के साथ 350 तक के टारगेट्स के लिए आप मदर्स एंड सुमी को बाय कर सकते हैं। दूसरा, ऑटो काउंटर्स में एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है जो कि काफी हेल्दी है मेरे हिसाब से। वैसे तो सारे ही काउंटर्स ऑलमोस्ट यू नो बजाज ऑटो, हीरो मोटो को, इन सब में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में काफी स्ट्रेंथ दिखाई है इन कंपैरिजन टू हीरो मोटो को दिस वीक। और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स भी हैं, मुझे लगता है 2750 का काफी अच्छा सपोर्ट है इसको, तो यहाँ पे आप करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं 2950 के टारगेट के लिए। चलिए यही मैं बजाज ऑटो पे पूछता हूँ आपसे सर, बहुत इनफैक्ट पिछले सितंबर से ही देखें तो ट्रेंड वीक था, आपको लगता है अगले हफ्ते ये स्टॉक पलट जाएगा, ऑटो स्पेस को आउट परफॉर्म कर देगा? देखिए रजत, ये वीक इसको मैं इसके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि जो मूव आया था इसमें मार्च में जो शुरू हुआ था 2200 लेवल से, तो उसके बाद जो रैली एक्सटेंड हुई 3100 तक के, तो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट आया है जो कि इन लाइन विद द मार्केट रिट्रेसमेंट, जो कि निफ्टी में भी आप देख रहे हैं तो इतने टाइम से ही रिट्रेसमेंट है, करीब सेप्टेम्बर मंथ से शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट एक मंथ से ज्यादा का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कि यू नो बेस फॉर्मेशन हो चुकी है, इसमें जो नेक्स्ट सर्ज है करीब 3400 तक मेरे हिसाब से एक्सटेंड होना चाहिए इसको, अगर कोई पोजिशनल रख सकता है तो।
चलिए बहुत शुक्रिया सर अपना समय जीबीएस को देने के लिए। तो हमने आपकी बात जो अभी तक सुनी उसके हिसाब से निफ्टी पे आपकी प्लस कॉल है 8750 का टारगेट, लेकिन दो स्टॉक्स जो एक्सपायरी से पहले आपको फोकस में रखने हैं उसमें एक है बजाज ऑटो। ये स्टॉक सितंबर महीने से ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था लेकिन अब पलट सकता है। बजाज ऑटो में 2900 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, 2750 का स्टॉप लॉस। और दूसरा सौदा है मदरसन सुमी, आज एक पुल बैक विजिबल है स्ट्रेट पे। मदरसन सुमी साफ तौर पे आपको गिरते बाजार में आज नए लेवल्स छूने की कोशिश कर रहा है, ये तेज हुआ तो एक्सपायरी तक 350 का टारगेट लेके चलें और 320 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। यूरोपियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, ECB की कल बैठक में बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम पे कोई क्लियर टिप्पणी आई नहीं लेकिन मार्केट स्लाइड हुई थी कल के सत्र में। अब निचले स्तरों से एक पुल बैक यूरोपियन मार्केट्स पे भी विजिबल है, तो पॉजिटिव ओपनिंग कहूंगा कि यूरोपियन मार्केट्स की आज के सत्र में हुई। लोकेश उपल साहब मेरे साथ जुड़े हैं माई स्टॉक रिसर्च से। लोकेश शुक्रिया सर, निफ्टी पे कॉल किया, एक्सपायरी से पहले क्या यहां से बेहतर लेवल्स एक्सपेक्ट करें? वेरी गुड आफ्टरनून रजत जी, जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, वी आर फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 8727। एट द सेम टाइम वी आर आल्सो मेंटेनिंग अ सपोर्ट क्लोज टू अ लेवल ऑफ 8650। यहाँ पे अगर हम वीकली और एक्सपायरी के चार्ट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक बुलिश पैटर्न काफी कंटिन्यू कर रहा है जो इंडिकेट करता है कि इसमें फर्दर पुल अप देखा जा सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड वी विल मेक अ बाय कॉल निफ्टी फॉर अ टारगेट ऑफ 8790 एंड वी विल कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 8630। ओके राइट, तो आपके टारगेट्स हैं 8790 के एक्सपायरी तक और 8630 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। अभी तक यहाँ पर जो कॉल्स हैं वो पॉजिटिव आ रही है। लोकेश जी थीम यहाँ पर ये है कि एक्सपायरी से पहले क्या खरीदा जाए या फिर क्या बेचा जाए, दो स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी एक्सपायरी से पहले वो बताएं। देखिए रजत जी, अगर हम एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हैं दो पर्टिकुलर स्टॉक्स में मूवमेंट देखते हैं तो पहला आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील के चार्ट को स्टडी करते हैं, इसमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है मंथली एंड एक्सपायरी चार्ट स्पेशली, जो इंडिकेट करता है कि आज इसमें थोड़ा सा म्यूटेड मूवमेंट है बिकॉज ये थोड़ा चला हुआ है लेकिन इसमें अपसाइड फर्दर साइड पे देखी जा सकती है। वी कैन लुक एन अपसाइड टू टारगेट्स ऑफ 438 रुपीज, 438 रुपए के लिए इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस क्लोज टू 418 रुपए। और हमारी सेकंड पिक रहेगी जैसे यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अगर एक्सपायरी के चार्ट को स्टडी करेंगे तो वो बुलिश सैंडविच फॉर्मेशन बना हुआ है, तो 120 का स्टॉप लॉस डाल के 135 की उसको बाय किया जा सकता है। ओके राइट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आप मान रहे हैं कि इस स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक 135 तक पहुंच सकता है, 120 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। लेकिन लोकेश जी, जी बिजनेस के तमाम दर्शकों की ओर से और जी बिजनेस की रिसर्च टीम की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे आज आप? थैंक्स अ लॉट टू ऑल द व्यूअर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ जी बिजनेस फॉर विशिंग मी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एज पर द बर्थडे गाइडलाइंस आर कंसर्न, वी हैविंग अ स्मॉल पार्टी इन द हाउस, माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर इज आल्सो देयर एंड वी विल सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुगेदर, क्योंकि आज मेरी सिस्टर का भी मेरे साथ बर्थडे होता है। कहते हैं ना लोग दुनिया में अकेले आए थे, मैं तो अकेला भी नहीं आया, अपनी बहन को साथ लेके आया था। चलिए सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और आपकी सिस्टर को भी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो आपने स्टॉक्स बताए वो मैं व्यूअर्स को भी फिर से बता दूं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे माय स्टॉक रिसर्च बुलिश है, 135 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सपायरी से पहले, 120 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा है टाटा स्टील, ये स्टॉक बहुत एक्टिव है मेटल स्टॉक्स में, इनफैक्ट सीरीज में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। टाटा स्टील पे आप बेट लगाएं, 438 का टारगेट और 418 का स्टॉप लॉस ट्रेड पे इनिशिएट करें, तेजी बन सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। तो दो और पिक साथ ही साथ मेरे साथ गौरव बिस्सा साहब मौजूद हैं LKP सिक्योरिटीज से। गौरव जी, निफ्टी पे क्या कॉल है आपकी? चलिए उनसे बात दोबारा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बार NCC फिर से देख लेते हैं क्योंकि आज कहीं ना कहीं बस क्रिएट हुआ, इसमें ब्लॉक डील हुई, एक बड़े इक्विटी का सौदा 3.5% के आसपास का, 9% ऊपर है। आदित्य क्या किया जाए NCC में? ओवरऑल स्ट्रक्चर चार्ट का काफी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स इसमें हमने हमको लगता है कि यहाँ से इसके अंदर 120-122 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, काफी वोलाटाइल काउंटर है। अभी 90-91 के आसपास में काफी रेजिस्टेंस है, अगर स्टॉक 91 के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के। हमें लगता है कि 120 का ये टारगेट अगले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है, इसके अंदर 78 का स्टॉप लॉस बनता है जिसको रख के एक लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट किया जा सकती है। ओके राइट, गौरव बिस्सा साहब मेरे साथ मौजूद है। गौरव जी, निफ्टी पे कॉल बताएं सर, क्या लगता है तेजी भी और बढ़ेगी? गुड आफ्टरनून, निफ्टी एक सीमित दायरे में फिलहाल है, तो 8720 के करीब रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अभी सपोर्ट के आसपास है, तो एक ट्रेडिंग व्यू इंट्राडे या BTC का आप कर सकते हो। 8640 का सपोर्ट होगा, 8700 8720 के टारगेट्स होंगे, 8720 सस्टेन नहीं करता तो ऊपर में सेलिंग की भी सलाह दूंगा, लेकिन चूंकि ये निचले स्तर पे है रेंज के,
एक बार उछाल को देखने मिल सकती है। चलिए रेंज में फंसा रहेगा, मानते हैं 87-87-20 अभी भी रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है, लेकिन बायस पॉजिटिव रखें तो चारों के चारों निफ्टी कॉल्स पॉजिटिव हैं। ये समझ लीजिए कि यहाँ से निफ्टी पे तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अगले हफ्ते, उस आधार पर पोजीशंस बनाएं। गौरव जी दो स्टॉक्स बताएं जहां पर आप मानते हैं दिवाली से पहले अच्छी एक्युमुलेशन होगी डेरिवेटिव मार्केट में। पहला तो टाटा केमिकल होगा, इसमें एक्युमुलेशन शुरू हो चुकी है। अगर दिवाली तक आप देखें तो आपको 600 के ऊपर ज्यादा स्टॉक देखने मिल सकता है। शायद मुझे लगता है अगले दो दिन के अंदर ही 600 हो जाएगा, काफी अच्छा एक्युमुलेशन है, ब्रेकआउट हुआ है। 575 एक क्रूशियल लेवल है, सस्टेन अगर हो गया तो एक काफी अच्छी मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। कोई अगर एक या दो महीना रखना चाहे तो मुझे लगता है 625-650 के भी लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। 568 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 605 का टारगेट होगा। दूसरा है बाय ऑन भारत फाइनेंस, एसके माइक्रो जो पैरेंट नाम था, इसमें एक अच्छी खासी एक्युमुलेशन हो रही है। 920 के लेवल पे बार बार ट्रेडिंग शॉर्ट बने थे, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन में काफी अच्छी बाइंग हो रही है। मुझे लगता है 950 के ऊपर के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 950 का टारगेट और 910 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।